हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। ठीक है, तो किंगडम प्रोटेस्टा आज हमका हमारा टॉपिक है 2.2। ठीक है, तो किंगडम प्रोटेस्टा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ऑल सिंगल से देखो, यहाँ पे ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। ठीक है, जितने भी सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स हैं, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर है। अब यूनिसेलुलर दो ही होते थे, मोनोरेक प्रोटिस्टा। ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते थे। यूकैरियोट्स लेकिन सिर्फ यूकैरियोट्स से प्रोटिस्टा आते हैं, प्रोटिस्टा और बाकी सारे आते हैं, लेकिन मोनोरा क्या होता था, मोनोरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक होते थे। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल, बट इसका बाउंड्री जो होता है ना इसका प्रोटिस्टा का, वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने, क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, वट मे बी फोटोसिंथेटिक, तो क्या फोटोसिंथेटिक करता है, तो वट मे बी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर। ठीक है, यानी प्लांट और कुछ भी हो सकता है, और दूसरा कुछ भी हो सकता है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इन दिस बुक इंक्लूड, हम देखो प्रोटिस्टन में क्या क्या इंक्लूड है, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लाजेट्स, इग्नाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड, ठीक है, ये सब के नाम याद होने चाहिए, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लाजेट्स, ठीक है, इग्नोनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, इन सब के प्रोटोजोन्स, इन सब के नाम याद होने चाहिए। सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, पांचों के नाम याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। अब जितने मेंबर हैं, मतलब प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं ना, जितने भी ये पांचों मेंबर की बात हो, ये सारे क्या है, प्राइमरी एक्वेटिक, यानी कि प्राइमरी, यानी कि अगर कहीं मिलेंगे तो हमें प्राइमरी सबसे पहले कहाँ मिलेंगे, एक्वाटिक, यानी कि पानी में मिलेंगे। ठीक है, पानी में मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं यहाँ से, दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स। अब ये डील किस किस के साथ करता है, प्लांट्स के साथ कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ, फंजाई के साथ। ठीक है, तो बींग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल भी होते हैं इसमें, अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सम है फ्लैजिला, सब उसमें क्या, कुछ फ्लैजिला होता है और कुछ सीलिया होता है, इसकी ये क्वेश्चन याद रखना, कुछ के पास फ्लैजिला होता है तो कुछ के पास सीलिया होता है, ये मूवमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस, अब ये प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ए सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करता है, तो ये भी ध्यान हमें देना है, ए सेक्सुअली और इसके रिप्रोडक्शन में हमें ध्यान देना है, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ए सेक्सुअली या सेक्सुअली, तो दोनों, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है इसमें, आप देखो सेक्सुअली होता है, सेल फ्यूजन होगा ही, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो इस पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले टाइप्स पे आते हैं, जिसको हम क्राइजोफाइट्स कहते हैं, क्राइजोफाइट्स जिसको कह देते हैं, इसके सबसे पहले स्टेप्स पे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, अब टू क्या है, दो एटम्स, यानी कि टू एंड, ठीक है, दो एटम्स है, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स कहा जाता है, जिसे हम, ये एन नंबर होता है, एन, ठीक है, ये सिंगल होता है, इसे ज्वेलर्स ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, डायटम्स का तो पूछा गया है। ठीक है, ये मिलते कहाँ, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलते हैं, एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, अब फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट दोनों में मिल जाते हैं, दिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं, ये मतलब पानी के ऊपर ऐसे तैरते हुए मिल जाते हैं, इसलिए मतलब तैरते हुए रहते हैं, फ्लोट पैसिवली, ठीक है, बहुत आसानी से तैरते हुए रहते हैं, इन वाटर करने जो पानी का बहाव जिधर होगा ना उधर की तरफ बहते हुए, नहीं कि तैरते हुए पानी के ऊपर मिल जाएंगे, उधर की तरफ ये बहते हुए चला जाएगा। ठीक है, वाटर करंट का मतलब क्या, जिधर पानी का बहाव होता है उधर प्लैंकटन रहते हैं, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन। अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अब देखो हमने एक चीज यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये हमारा जितना भी था ना, ये क्राइजोफाइट्स हमने जितने भी इसके टाइप्स पढ़े थे, ये पांचों टाइप्स मेनली जो पढ़े थे ना, अब इस पांचों टाइप में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल होता है, किसमें होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल होता है। ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहा जाता है इसको, एंड और क्या जाता है इसमें ना, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना, पी आर
आर और डी यू सी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान है। अब प्रोड्यूसर किसका होता है, ये देखो फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है, मुझे ये फाइटोप्लैंक्टन देखा तभी याद आया, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन का होता है पीएच वाइटीओ, फाइटो PLANK, फाइटोप्लैंक्टन का होता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है। ये प्लैंक्टन का होता है, मोस्ट ऑफ देम यानी कि ज्यादातर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यानी फोटोसिंथेटिक क्या है कि लाइट के प्रोसेस में अपना खाना बना लेते हैं ये, ठीक है, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ, ठीक है। ये हो गया इन डायटम्स द सेल्स वॉल्स फ्रॉम टू थिन ओवर, दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, इसमें दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं विच फिट टूगेदर इन अ सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स का, जैसे सोप जैसे साबुन होता है बॉक्स होता है ना, वैसे सोप बॉक्स में फिट टूगेदर होते हैं, एक साथ ही फिट बैठते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सोप बॉक्स की बात करें तो सेल वॉल, इसकी बात करें तो अब सेल वॉल किसका, सोप बॉक्स की तरह। अब सोप बॉक्स की तरह कैसे होता है, देखो सेल वॉल होता है इसका डायटम्स का सोप बॉक्स की तरह, ठीक है, सोप बॉक्स की तरह होता है। अब सेल वॉल इसका देखो, सेल वॉल सोप बॉक्स जैसे होता है सेल वॉल, अब देखो सेल वॉल होता है सोप बॉक्स की तरह, तो इसमें क्या होता है, वो ऊपर वाले को कहते हैं, मतलब ऊपर वाले को कहते हैं हाइपोथीका, हाइपो हाइपोथीका कहते हैं, हाइपोथीका, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, एपीथीका कहते हैं, एपी एपीथीका एपीथीका। ये सिलिका के बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, किसके, सिलिका SLIC, सिलिका का बना होता है, ठीक है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया एंड फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स द वॉल्स आर एम्बेडेड इन अ सिलिका। अब देखो यहाँ लिखे ना सिलिका, तो ये क्वेश्चंस के फॉर्म, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स, सोप बॉक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, द सेल्स आर एम्बेडेड इन सिलिकास एंड दस वॉल्स आर इंडस्ट्रिक टेबल, ठीक है, इंडस्ट्रिक टेबल, इसको मतलब इंडस्ट्रिक टेबल का मतलब होता है कि इसके वॉल्स को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड बच जाते हैं, ठीक है। द एक्युमुलेशंस ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स रेफर टू एज डायटोमियस अर्थ, डायटोमियस यानी कि बहुत लंबे समय तक, यानी कि रह जाने के बाद क्या होता है, डायटोमियस अर्थ हो जाते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो डायटोमियस जैसे आप फिल्टर पहले टाइम में यूज करते थे, फिल्टर जिसमें पानी छन के नीचे आ जाता था, तो जो उसका जो फिल्टर का पेंसिल जो बना होता है ना, वो डायटोमियस अर्थ का ही बना होता था, ठीक है। तो डायटोमियस ब्रिंग ग्रिटी ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज फॉर पॉलिशिंग, अब पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन के यूज किया जाता है। अब फिल्ट्रेशन कौन सा होता है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, FILTRATE, फिल्ट्रेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो द डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर, चीफ यानी कि मेन प्रोड्यूसर होता है किसका, मतलब ओशंस में मोर देन 50% यानी 50% से भी ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं हमारे ओशंस में, ठीक है, ये मिल जाते हैं हमारे, ठीक है। इस पे यानी कि बहुत सारे काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, इस पे खास तरह से ध्यान देना है इसलिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिर, अब आते हैं हम डायनोफ्लैजेट्स पे, डायनोफ्लैजेट्स को पायरोफाइट्स भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पायरोफाइट्स, PYRO पायरोफाइट्स भी कहते हैं, फाइट्स पायरोफाइट्स भी कहते हैं इसको, पायरोफाइट्स, ठीक है। पायरोफाइट्स में हमारे आता है गोल्डन ब्राउन एल्गी भी आते हैं, गोल्डन 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 ब्राउन एल्गी आ जाते हैं, एल्गी गोल्डन ब्राउन एल्गी भी आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो गोल्डन ब्राउन एल्गी में अगर बोले तो गोल्डन ब्राउन एल्गी आ गया, अब देखो क्यों आ गया, ये देखो इसमें ध्यान देना, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेट्स हो गया, दिस आर द मोस्टली मरीन, ये ज्यादातर मरीन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये डायनोफ्लैजेट्स है ना, गोल्डन ब्राउन, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने लिखवाया है, ठीक है। अगर मैं कुछ लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी ऊपर, अब थोड़ा सा अप लेवल चल गया के चलते, ठीक है। मोस्टली मरीन फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली मरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, दे अपीयर, अब ये कलर याद रखो, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड, ये सब सारे कलर पूछे हुए, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ये सारे मेन पिगमेंट्स से जो प्रेजेंट होते हैं इसके सेल्स पे, इसका सेल वॉल, सेल वॉल आर द मेन स्टिफ सेल्यूलोज, अब सेल्यूलोज कौन होता है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होता है, स्टिफ सेल्यूलोज यानी कि बहुत टाइट होता है, मतलब बहुत सख्त होता है, इसका मजबूत होता है, ठीक है। प्लेट्स ऑन देयर आउटर सर्फेस, बाहर से बहुत सख्त होता है, यानी कि बाहर से बहुत टाइट मतलब हार्ड होता है, ठीक है। द मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिल, अब देखो अब डायनो का मतलब क्या है, डाई, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि डाई है तो यानी कि दो फ्लैजिला होगा ही, ठीक है। डायनोफ्लैजिलस यानी कि डायनोफ्लैजिलस यानी कि दो फ्लैजिला वाला, दो फ्लैजिला वाला डायनोफ्लैजिलस यानी कि दो फ्लैजिला है इसमें। अब नंबर ऑफ फ्लैजिला पूछ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायनोफ्लैजिल में कितने फ्लैजिला होगे, दो फ्लैजिला होगा,
एक जो लाई करेगा, एक लॉन्गिट्यूडी लाई करेगा और दूसरा ट्रांसवर्सी फ्लो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। और दूसरा देखो, दूसरा क्या देखो यहाँ पे डायनोफ्लेज, मैं डायग्राम को अच्छे से बताऊंगा। तो एंड प्लेट्स रेड रेड डायनोफ्लेजेट्स, देखो रेड डायनोफ्लेजेट्स के हमारे गोनीप्लेक्स है, गोनीप्लेक्स ठीक है, रेड डायनोफ्लेजेट गोनीप्लेक्स है हमारा। अब गोनीप्लेक्स और दूसरा कौन सा आता है, गाइनोमोडियम आता है, एक दूसरा आता है गाइनोमोडियम, जी वाई एन ओ एम ओ डी आई यू एम, गाइनोमोडियम ठीक है। ये दूसरा, ये दोनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है गाइनो, रेड डायनोफ्लेजेट्स होते हैं। अब ये काम क्या करता है, देखो ये काम क्या करते हैं, ये ना रेड, जैसे रेड सीड अपीयर्स होते हैं ना ये पानी, मतलब ये, अब मैं पॉइजन ऐसी पहले लाइन पढ़ लेता फिर बता देता हूँ। गैनोक्लेक्स होता है अंडर वो सच रेपिड मल्टीप्लीकेशन, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ठीक है। दे मे अपियर रेड टाइट्स ठीक है, इसलिए मैं रुक रहा था बता रहा था, क्योंकि ये रेड टाइट्स, रेड टाइट्स, रेड टाइट्स का मतलब क्या, रेड टाइट्स, रेड टाइट्स ठीक है। अब लाल लाल पानी जैसे दिखने लगते हैं ना, लाल लाल पानी के ऊपर जैसे मछली मरे हुए दिखते हैं। अब मछली मरे हुए क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल द मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज, ये बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन रिलीज करता है। अब देखो टॉक्सिन्स के बारे में, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, कौन सा टॉक्सिन करता है, सेक्सोटॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जो सेक्सो टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, सेक्सी SAXI, सेक्सी TOXIN टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन नाम का कहता है ठीक है। ये क्या करता है, पैरालाइज करता है, लीड्स टू पैरालिसिस, पैरालिस PARALYSIS पैरालिसिस कर देता है। अब करता देखो, इसका प्रोसेस सुनो, देखो क्या होता है ये। अब देखो समुद्र के किनारे क्या होता है, रेड टाइड्स होते हैं, रेड टाइड्स यानी कि लाल लाल पानी होता है, उसके ऊपर मछली तैर रहे होते हैं ठीक है, वो मरे हुए मछली होते हैं। अब क्या होते हैं, मछुआरे जो आते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं, बेच देते हैं या खुद खा लेते हैं। अब उसमें टॉक्सिन्स होता है ठीक है, कौन सा, सेक्सी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन होता है, सेक्सी टॉक्सिन नाम का। वो टॉक्सिन अगर हम वही, अगर मछली अगर ह्यूमन बींग खा ले ठीक है, भले पका वका के खाएगा कैसे भी खाएगा, लेकिन वो खाएगा तो सेक्सी टॉक्सिन नाम का उसके अंदर टॉक्सिन चले जाएगा, फिर उसके अंदर क्या है, पैरालिसिस, पैरालाइज हो जाएगा वो। इसलिए इसको रेड टाइड्स कहता है, रेड यानी कि खतरा, रेड का मतलब भी कहता है डेंजर ठीक है, रेड यानी कि खतरा ठीक है, इजी आता है इसलिए ठीक है। एक ये भी होता है डायनोफ्लाजेलेट यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये भी याद रखना है ठीक है, डायनोफ्लाजेलेट यूनिसेलुलर होता है। तो ये चीज यहाँ पे रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम इस डायग्राम को देख लेते। देखो ये डायग्राम हमारा डायनो, सबसे पहले हमारा डायनोफ्लेजेट्स का डायग्राम है, देखो ये डायनोफ्लेजेट्स का डायग्राम है ठीक है। ये हमारा किसका डायग्राम है, ये हमारा आ गया क्या, यूग्लेना का डायग्राम है, इससे बी वाला हमारा क्या है, यूग्लेना है, बी हमारा यूग्लेना है ठीक है। सी हमारा क्या है, सी हमारा स्लाइम मोल्ड है, सी हमारा स्लाइम मोल्ड है, सी स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड्स ठीक है। ये हमारा क्या था, यूग्लेना, UGLENA यूग्लेना। ये था हमारा डायनोफ्लेलेट्स, ये हमारा था DINOFLAGE डायनोफ्लेलेट्स था ठीक है। ये हो गया हमारा, और लास्ट वाला हमारा क्या है, पैरामीशियम है हमारा, ये पैरामीशियम PARAMOECIO पैरामीशियम है ठीक है। ये हो गया, अब देखो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यूग्लेनेट्स पे पढ़ते हैं, यूग्लेनेट्स क्या होता है, देखो यूग्लेनेट्स होता है मेजोरिटी ऑफ द, सबसे पहले इसके बारे में देखिए, कनेक्टिंग लिंक होता है किसका, ये कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल का ये कनेक्ट करके रखता है, कौन, ये यूग्लेनेट्स ठीक है, एनिमल्स ठीक है। ये हो गया, हाँ देखो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट। अब क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में तो रहते हैं लेकिन स्टैग्नेंट यानी वाटर यानी कि रुके हुए पानी में रहते हैं, कौन, यूग्लेनाइट्स ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल भी दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, रिच लेयर कॉल्ड पेलिसेल। अब देखो ये पूछा हुआ, पेलिसेल्स क्या होता है, पेलिसेल्स क्या होता है, पेलिसेल्स जो होता है पेरीप्लास्ट क्या होता है, पेरी, पेरीप्लास्ट, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पेरीप्लास्ट का बना होता है, पेरीप्लास्ट का बना होता है, पेरीप्लास्ट का, पेलिकल, पेलिकल पूछा है, जो प्रोटीन रिच लेयर जो होता है वो किसका होता है, पेलीसेल का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से, विच मेक्स देयर बॉडी, ये किस बॉडी को क्या बनाता है, ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है
ठीक है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, इसके दो भी पास दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है तो एक लॉन्ग होता है। देखो एक शॉर्ट होता है, ये देखो यहाँ पे देखो एक फ्लैजिला इसका है, ये तो लॉन्ग फ्लैजिला है, ये लॉन्ग फ्लैजिला है, लॉन्ग फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला है। यही क्या, ये दूसरा वाला, ये है शॉर्ट फ्लैजिला, शॉर्ट फ्लैजिला है, शॉर्ट फ्लैजिला है, ठीक है, ये शॉर्ट फ्लैजिला है। बाकी इसमें टाइप्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ ये पढ़ पढ़ के, ठीक है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोसिंथेटिक मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसे, लाइट के प्रेजेंस में ही करता है फोटोसिंथेटिक, ठीक है। व्हेन डिप्राइव्ड सनलाइट, डिप्राइव्ड अगर सनलाइट नहीं होता तब क्या, डिप्राइव्ड सनलाइट दे यानी कि उसकी सूर्य अगर मतलब सूरज नहीं रहता यानी कि सनलाइट नहीं रहता तब क्या रहता है, तब बिहेव लाइक हीटोट्रॉप्स, तब हीटोट्रॉप्स जैसा बिहेव करता है, लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ प्रेजेंस ये बिहेव करता है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं रहता है तो हीटोट्रॉप्स बिहेव करते हैं, यानी कि दोनों हीटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों करता है। बाय द प्रीडिटिंग और अनदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स, किसको ले लेता है, ये अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना उसको खा लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, खा ले लेता है मतलब उसको, उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होता है, पिगमेंट्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स आर आइडेंटिकल ऑफ दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, पिगमेंट्स होते हैं जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इग्लेना इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इसका इग्लेना है, ठीक है। अब देखो ये इसका डायग्राम के बारे में पढ़े, तो डायग्राम देखो क्या है, अब डायग्राम है इसका, एक फ्लैजिला तो हमने पढ़े लॉन्ग और शॉर्ट होता है फ्लैजिला, ठीक है। इसके बाद ये आता है यहाँ पर, देखो ये है ना, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये आई साइट आ जाता है, इसका क्या है आई साइट आ गया ये आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो एक देख रहा होगा यहाँ पे अगर इसी से जो लगा हुआ है, ये फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, इसको क्या कहा, मैं कहाँ लिखूँ, इसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, ऐसे फोटो टो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये सब क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, ये सब क्या है क्लोरो CHLO क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। बाकी ये बीच में मेन जो होता है ये न्यूक्लियस हो जाता है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम कर लेता है, ठीक है, न्यूक्लियस हो जाता है। ऐसे इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें जो साइड में दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इसमें इतना है, ठीक है। पुराने NCERT में ये दो डायग्राम थे सिर्फ, कौन से, एक था हमारा यूग्लेना का और एक था हमारा पैरामीशियम का, स्लाइम मोल्ड्स का और ये डायनोफ्लैजेलास का नहीं था डायग्राम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे, देखो स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, देखो स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है मेन ये देख लो। अब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पहले लिख लेते हैं, एक देखो अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सेलुलर होते हैं, ये होते हैं पहले सेलुलर लिख लेते हैं, CELLULAR, सेलुलर हो गया, एक हो गया ए सेलुलर हो गया, ए CELLULAR सेलुलर हो गया। अब ये सेलुलर का काम क्या होता है, देखो सेलुलर में डायलो स्टेलम होता है, आप देखो यहाँ पे लिखे तो कैसे लिखे, डैक्टो, डैक्टो स्टेलम, डैक डी वाई डी आई सी टी वाई वाई एल ओ एस टी ई एल आई यू, डैक्टो स्टेलम, ठीक है। और पॉली ये एक ही लिख लो सही है, ठीक है, एक ही लिखो सही है। और देखो ए सेलुलर में फाइसेरम और फ्लीगो आ गया, फाई पी एच वाई एस ए आर यू एम, फाइसेरम हो गया और फिलियोगो हो गया, फिलियोगो हो गया, ठीक है। ये क्या करता है स्लाइम मोल्ड्स, क्या काम करता है, ये कंज्यूमर का डिकम्पोजर का दोनों, कंज्यूमर कंज्यूमर CUNS कंज्यूमर और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का दोनों का काम करता है ये, ठीक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर दोनों का काम करता है। अब जैसे पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, सेप्रोफाइटिक होता है यानी कि सारे गले खा लेता है ये। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डैकिंग ट्विंग्स, अब डैकिंग ट्विंग्स जो सारे गले होते हैं उसके पास आके हमला करके खा लेते हैं, उसी को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फ्रॉम एग्रीगेशन कलर कार एग्रीगेट एग्रीगेट कर लेता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम के फॉर्म में, विच, अब देखो विच दे मे, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेल, ये बहुत दूर तक, मतलब एक जगह तो छोटा कम एरिया से शुरुआत करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर में फैला देते हैं, पूरे बिखेर देते हैं मतलब पूरे, ठीक है, सेवरल फीट तक, बहुत लंबे ज़्यादा फीट तक, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फ्रूटिंग बॉडीज, अब प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने आप को कम अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है।
अब यही तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स है कौन से कंडीशन में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अब फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, इसमें क्या होता है बियरिंग स्पोर्स होता है टिप, उसके टिप पे चले ना टिप पे स्पोर्स होते हैं ठीक है, जैसे टिप पे स्पोर्स होते हैं देखो यहाँ पे जैसे स्पोर्स मिले ना स्लाइम मोल्ड्स है ये, तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या है छोटे 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 क्या है ये छोटे छोटे ये स्पोर्स है सब सब स्पोर्स है, डिफरेंशिएट के लिए छोटे जगह से शुरुआत हुई देखो कितने दूर तक फैला लिया उन्होंने, तो यही करते हैं कि अपने अनफेवरेबल कंडीशन में फैला लेते हैं पूरा फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि बॉडी में ऐसे लगता है फ्रूटिंग बॉडीज हो जाते हैं यानी कि छेद छेद हो जाते हैं थोड़े थोड़े ठीक है। द स्पोर्स पोजेस ट्रूवास, अब स्पोर्स ही क्या होते हैं ट्रूवास बना लेते हैं एक अच्छा सा दीवार खड़ा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पोर्स पोजेस ट्रूवास बना लेते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं बहुत ही रेजिस्टेंट यानी पावरफुल होते हैं, मतलब ये मतलब कोई अगर इस पे हमला करता है तो उससे बच जा सकता है ठीक है, इतने रेजिस्टेंस होता है ठीक है, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। अंडर एडवर्स कंडीशन यानी कि जो उनका लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है ना उस कंडीशन में भी रह के ये कई सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं ठीक है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, स्पोर्स डिस्पर्स करते हैं यानी कि हवा के मतलब हवा के कारण स्पोर्स एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स यानी कि फैल जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है यहाँ से ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ये कब वो अपना आपको डिस्पर्स कर लेगा अपने स्पोर्ट्स को, तो एयर करंट्स में वो अपने आपको एयर करंट्स यानी कि हवा का डायरेक्शन के हिसाब से मतलब वो अपने आपको डिस्पर्स कर लेगा अपने स्पोर्ट्स को, इधर पूरा फैला देगा ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं हम प्रोटोजोन्स पढ़ते हैं ठीक है, प्रोटोजोन्स देखो क्या होता है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स हमारा था ऑल प्रोटोजोन्स आर हिटरोटॉप्स, अब प्रोटोजोन्स हिटरोटॉप्स होता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है, लिव एज प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स ये भी पूछा हुआ है, प्रीडेटर के साथ रहता है और पैरासाइट्स के साथ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें से एक ठीक है, और नहीं पूछा हुआ तो आगे पूछेगा फिर। दे आर बिलीव्ड टू बी अ प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, प्राइमेटिव यानी कि सबसे पहला रिलेटिव एनिमल्स में होता है सबसे, यानी कि बीमारी की शुरुआत की अगर जड़ यही होता है मेन प्रोटोजोन से, अगर बहुत सारी बीमारियां होती ठीक है, बीमारियों के नाम पढ़ेंगे कुछ हमें भी ठीक है। दे आर फोर मेजर प्रोटोजोन, कुछ चार मेजर मतलब चार मेजर प्रोटोजोन्स ग्रुप है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है, चार मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के उसके बारे में पढ़ेंगे हम ठीक है, तो हमारा हमारा आ गया ठीक है, अब देखो हमारा आ गया देखो अमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड सबसे पहले आ गया हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन ठीक है, अमीबॉइड जैसे होगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आ गया सबसे पहले हमारा ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स दीज ऑर्गेनिज्म्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ रहते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर सी वाटर मोस्ट सोयल, तो ये कुछ भी पूछ सकता है ठीक है, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं रहते जाते लेकिन पूछा गया कई बार बीमारियों के नाम पूछ लिया ठीक है, अमीबॉइड वाले से तो क्वेश्चन पूछा गया नहीं है तो पूछ सकता आगे ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना ये मूव करते हैं और अपने मूव करके अपने कैप्चर मतलब परे को कैप्चर कर लेते हैं यानी कि जो अपने शिकार को कैप्चर कर लेते हैं ठीक है, लिखा है ना दे मूव एंड कैप्चर देयर परे पुटिंग आउट सूडोपोडिया में डाल देते हैं, सूडोपोडिया किसे कहते हैं फॉल्स फीट कहते हैं सूडोपोडिया, तो फॉल्स फीट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। अमीबा अमीबा ठीक है, मरीन फॉर्म्स लाइक सिलिका सेल्स होते हैं इसमें, मरीन जैसे होते हैं मरीन यानी कि पानी में रहते हैं तो सिलिका सेल्स होते हैं अपने इसके सरफेस पे ठीक है, मतलब पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो इसलिए सिलिका सेल्स होते हैं इसमें, सम ऑफ देम इज इन, अब देखो इसका मतलब इसका एग्जाम्पल सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा 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 ठीक है, पहले अब देखो एक बीमारी एंटामीबा हिस्टोडिका के नाम से एक बीमारी होती है ठीक है, तो वो हो जाती है इसमें ठीक है, तो ये बीमारी हमें याद रखना ठीक है, एंटामीबा पैरासाइट्स होते हैं तो ये पैरासाइट्स के नाम याद रखने ठीक है, मेन पैरासाइट्स के नाम ही याद रखने हमें ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये हो गया हमारा फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं देखो द मेंबर ऑफ देयर ग्रुप द आइदर फ्री लिविंग, ये मतलब फ्री लिविंग हो भी सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकता है कुछ भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म में बन सकता है, इसके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड से शो करा कि फ्लैजिला है, ये तो याद नहीं भी रखोगे तो फिर भी याद हो जाएगा ठीक है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, ये डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस में ये क्वेश्चन पूछा गया टेस्ट ट्रायपैनोसोमा जो किससे होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से ट्रायपैनोसोमा बीमारी होती है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं ठीक है, जिसमें इंसान ज्यादा देर तक सोने लगता है या ज्यादा सोने लगता है तो ट्रायपैनोसोमा आता है, हमेशा ऐसे लगता है नींद में ही ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टेस्टेस फ्लाई के काटने से भी होता है ट्रायपैनोसोमा ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड होता है वो। सिलेटेड प्रोटोजोन्स दे आर द एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होते हैं एंड मोस्ट एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड स्पीस थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है, ये चीज याद रखना क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। सिलेटेड यानी कि सिलेटेड से मतलब है सीलिया होगा, अब कितना होगा थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हो सकते हैं ना,
अब एग्जाम्पल में थाउजेंड्स लाख करोड़ कुछ भी आ सकता है, तो तुम्हें पता होगा थाउजेंड्स होता है तभी तो थाउजेंड लगाऊंगे, इससे नहीं पूछा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लैजलेट्स, ठीक है इसको ध्यान देना है इसमें। दे अब कैविटी गलेट, ठीक है एंड ओपन आउटसाइड द सर्फेस एट सर्फेस, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज रोज इन सीलिया एंड वाटर लैडन फ्रॉम देयर स्टेटेड गलेट एग्जाम्पल। इसका पैरामीशियम, पैरामीशियम किस में आता है, पैरामीशियम मलेरिया भी होता है, डेंगू होता है, ये सब बीमारी होती है, तो इसको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है सिलेटेड प्रोटोजन पैरामीशियम प्रोटोजोन्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा फोर्थ, ठीक है स्पोरोजोन्स, दिस इज इंक्लूड द डाइवर्स ऑक्सीजन डेट इन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इसका लाइफ साइकिल, तो ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है। मोस्ट नोट्रस प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट होते हैं, ठीक है नोट्रस होता है, नोट्रस नोट्रस, ठीक है नोट्रस प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, ये मलेरिया को कॉज कर सकता है, डिजीज विच स्टैगरिंग स्टैगरिंग इफेक्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि बहुत तेजी से फैला देता है ये, ठीक है बहुत तेजी से, यानी कि एक किसी कॉलोनी में अगर किसी को एक को भी मलेरिया हुआ तो दूसरे को भी हो सकता है, उसके तीसरे को चौथे को पांचवे को, क्योंकि एक ही जो मच्छर है इन्फेक्टेड मच्छर जो सबको जाके काटेगा, एक ही मच्छर तो सब इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं स्टैगरिंग इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टैगरिंग वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये अभी देखो यहाँ से पूरा हमें पढ़ लेना है, ठीक है ये हमें पूरा पढ़ लेना है। देखो ट्रू सेल्स वॉल्स का मतलब होता है, ट्रू सेल वॉल यानी कि ये सेलुलोज का भी बना हो सकता है, सेलुलोज लोज का बना हो सकता है, ठीक है। तो इस पर हमें ध्यान देना है, तो पूरा ऐसे लेक्चर हमें ऐसे ही ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसमें और देखने भी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई अगर दिक्कत आती कुछ आती तो कमेंट करना, ठीक है। हाँ एक चीज एक शिकायत है कि यार तुम लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, ठीक है तो वो कर दिया करो थोड़ा, ठीक है ठीक है। एक ही रूल अपना है, खुद भी है, मतलब खुद भी अच्छा सीखो दूसरों को भी सीखने दो, ठीक है भला, मतलब वो कहते हैं ना क्या कहते हैं हिंदी में क्या होते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है कर भला तो हो भला, ठीक है। तो इसलिए हमें दूसरों का भी भला करना चाहिए, हमें शेयर करके, ठीक है दूसरे को बताना चाहिए शेयर करके, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम यहीं रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।